3, 2, 1। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि TM6 कैसे भरते हैं। ये अराइवल फॉर्म होता है जब आप थाईलैंड में लैंड करने वाले होते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका सरनेम क्या है, यहाँ पे सरनेम। फिर आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे। फिर आपको अपना मिडल नेम है तो मिडल नेम, यहाँ पे मेल, फीमेल, जेंडर, आपकी नेशनलिटी क्या है और आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें अगर आप देखोगे तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो जो लोगों को प्रॉब्लम है ये वो भी हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, वीज़ा नंबर अगर नहीं है तो छोड़ देना है, ऑक्यूपेशन क्या है आपकी लिख देनी है, थाईलैंड में आप कहाँ पर रुकेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो होटल या एयरबीएनबी का अपार्टमेंट है वो लिख देना है, कितने दिन के लिए रुकोगे, यहाँ पे आप आ क्यों रहे हो, तो टूरिज्म के लिए आ रहे हो, टूरिज्म के लिए कौन सी सिटी से आ रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नीचे सिग्नेचर कर देना है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना फ़ोन नंबर डाल के। और ये वाला आपका डिपार्चर के लिए होता है, तो ये आपको बाद में आप भर सकते हो या अभी भी भर सकते हो, आपके ऊपर है ये, पर ये साइड वाला अराइवल के लिए है। इसके बाद आपको पीछे भी इसमें भरना होता है कि आप कौन से पर्पज़, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आपकी फ़्लाइट है क्या, तो स्केड्यूल फ़्लाइट है, चार्टर्ड नहीं है, आप किसी ग्रुप, आप पहली बार आए हो तो येस और नो, ग्रुप में आ रहे हो तो नो, कहाँ पे रह रहे हो होटल में, और आपकी नेक्स्ट पोर्ट कहाँ पे जाओगे आप, तो इंडिया वापस जाओगे तो वहाँ लिख सकते हो आप। अब आपकी पर्पज़ क्या है, पर्पज़ आप इसमें जो भी लिख सकते हो, एजुकेशन के लिए आ रहे हो, टूरिज्म के लिए आ रहे हो, अदर्स के लिए आ रहे हो, और आपकी इनकम क्या है। बस यही है अराइवल फॉर्म, इसमें आपको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिपार्चर का भी दिखा देता हूँ। ये वाला सेक्शन डिपार्चर का है, इसमें सिंपल आपको नाम, सरनेम, पासपोर्ट आपका नंबर लिखना है, और ये आपको ये काट के ये आपको वो अपने पास दे देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, डिपार्चर कार्ड आपको कभी भी लूज़ नहीं करना है, क्योंकि वापस आते हो आपको डिपार्चर कार्ड देना पड़ता है, तो उसको लूज़ आप मत करिए, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वाला जो डिपार्चर कार्ड है ये आपको जाते हुए अपने साथ उनको वापस देना है, ठीक है, थैंक यू। तो अब आप देख सकते हो, अब हम थाईलैंड में बैंकॉक के एयरपोर्ट पे सोनभूमि में लैंड हो चुके हैं। तो आप एंटर करोगे, आपको कुछ ऐसा सा सीन आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको, अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो सिर्फ लोगों को आप फॉलो कर सकते हो कहाँ पे जाना है। तो जब आप यहाँ पे जाते रहोगे तो आपको ये दो ब्लू साइन दिखेंगे, इमिग्रेशन के लिए और बैगेज क्लेम के लिए। ये ब्लू आपको फॉलो करना है, इमिग्रेशन और बैगेज। पहले आपका इमिग्रेशन होगा, फिर बैगेज होगा, और यहीं पे वीज़ा ऑन अराइवल का भी आप साइन देख सकते हो। अब हम इमिग्रेशन को ऑलरेडी पास कर चुके हैं, ये हम बैगेज एरिया में आ गए हैं। अगर आपको यहाँ पे अपना बैगेज नंबर पता नहीं है कहाँ आएगा, तो यहाँ पे स्क्रीन होती है हर जगह, इसमें देख सकते हैं कि आपकी कौन सी एयरलाइंस थी, कितने बजे लैंड हुई है, और उसका बैगेज कौन सी बेल्ट पे आया है। तो बस बेल्ट नंबर को देख के आप वहाँ पे जाइए। अब हमने बेल्ट नंबर पे हम अपने चले गए थे, मैंने अपना बैग उठा लिया है। अब आपको यहाँ से एग्ज़िट करना है। आप एग्ज़िट के यहाँ पे जाओगे तो आपको साइन दिखते रहेंगे, आपको जाना है ग्रीन वाले में, नो डिक्लेयर में, कस्टम्स में, डिक्लेयर वाले में नहीं जाना, याद रखना, जहाँ पे आपको जाना है नो डिक्लेयर। अब हम आ गए हैं बाहर के मीटिंग एरिया में। जैसे ही आप वो डिक्लेयर पास करोगे, यहाँ पे आपके अगर कोई आपका एयरपोर्ट होटल में लेने आया है या ग्रुप लेने आया है, तो वो आपको इसी एरिया में यूजुअली मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसा सा दिखता है, यहाँ पे आप अपना सिम ले सकते हो ट्रू का 4G, पर मैं अभी नीचे जाऊँगा जहाँ पे मैं और सस्ता सिम लूँगा। ये आ गया है एयरपोर्ट लिंक, यहाँ से आप एयरपोर्ट लिंक लिख सकते हैं सीधा सिटी में जाने के लिए। दोस्तों, मैं इस छोटे काउंटर में आया हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। क्लूक से आप सिम डाउनलोड, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही सस्ता सिम मिल सकता है। मैंने ये सिम लिया था $1 का, सो ऑलमोस्ट 60 या 70 रुपये का। मैं आपको अभी सिम दिखाऊंगा कौन सा लिया था मैंने। तो ये मेरे को टूरिस्ट सिम मेरे को मिल गया डीटेक का, 8 डेज का मिला है, जिसमें 15 गीग्स का इंटरनेट है, सिर्फ 70 रुपये में।
तो इसके बाद हम आ गए हैं टैक्सी वाले एरिया में, जहाँ पे आप आई थिंक सेकेंड या थर्ड फ्लोर डाउन है, वहाँ पे जाओगे तो आपको टैक्सी एरिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे रेगुलर टैक्सी हैं, लार्ज टैक्सी हैं, तो जो सी भी आपको चाहिए आप उस लेन में चले जाना, और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आपको सिर्फ बटन दबाना है, तो आपको टिकट नंबर मिल जाएगा, जिसमें ये टिकट निकल गई है, इसमें आपको वो दिखा देंगे कि आपकी टैक्सी कौन से नंबर पे खड़ी है। तो जो भी नंबर आपका टिकट पे लिखा होगा तो आप उस नंबर पे आपको चल के जाना है। तो ये कुछ ऐसा सा सीन आपको लगता है, यहाँ पे सारी टैक्सियाँ खड़ी हैं, ये ग्रीन वाले सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो जो सा भी आपका नंबर है आप वहाँ चले जाना। अभी हमारा था 61 नंबर, हमारी कल बड़ी टैक्सी थी तो हम इसमें आ गए हैं। अब हम थाईलैंड में लैंड हो गए हैं गाइस, वेलकम टू थाईलैंड, वेलकम टू बैंकॉक। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आपने नहीं करा है लाइक भी करिए, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।